ओके, तो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है किस तरीके से कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, उसके लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देयर आर द टू मेथड्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज द कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स को आपकी कंपनी में हायर करने के लिए, ठीक है, उनको रिक्रूट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ बताते हैं कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस में. दैट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग, HRCA इन शॉर्ट. ठीक है, एंड द सेकेंड मेथड इज नोन एज द वैल्यू बेस्ड एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू अकाउंटिंग. की फाइनली जो आपने जो भी कॉस्ट इनकर किया आपके HR को रिक्रूट करने, डेवलप करने, ट्रेन करने में, तो उससे क्या वैल्यू उनकी क्रिएट हुई. ठीक है, जो एसेट क्रिएट हुआ, जो वैल्यू क्रिएट हुआ ह्यूमन रिसोर्स में, उसको हम लोग सेकेंड मेथड से मेजर करते हैं. ओके, तो आपका फर्स्ट मेथड है दैट इज मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन. ठीक है, कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट एनालिसिस में इसके अंदर है आपका फर्स्ट वन इज अ मॉनेटरी मेथड एंड द सेकंड मेथड इज नॉन मॉनेटरी मेथड. सो मॉनेटरी मेथड में है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, एसेट मल्टीप्लायर, द लास्ट वन इज द इकोनॉमिक वैल्यू मेथड. ठीक है, एंड आपका नॉन मॉनेटरी मेथड है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मेथड एंड डिस्काउंटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके यहाँ स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट है आपका मॉनेटरी मेथड. सो मॉनेटरी टर्म से पता चल रहा है कि हमको क्या करना है इस मेथड में, जो कॉस्ट है, ठीक है, जो इकोनॉमिक वैल्यू है ह्यूमन रिसोर्स की, उसको यहाँ पे मेजर करना है. ठीक है, सो बेसिकली हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास जो भी स्किल्स, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मनी के फॉर्मेट में मेजर करने की कोशिश करते हैं या मनी के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ लिखा है ट्रांसलेटेड इनटू द कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज द मनी. ठीक है, क्योंकि मनी सबके लिए कॉमन है. ठीक है, थ्रू आउट इंडिया, इंडिया में क्या है, आपका नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, आप कहीं भी जाओ, जो मनी है, जो करेंसी है, ठीक है, वो सेम है हर जगह पे. 10 रुपए का नोट नॉर्थ इंडिया में भी 10 रुपए ही होता है वैल्यू, साउथ इंडिया में भी 10 रुपए ही होता है. तो इन द सेम वे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे HR वर्क कर रहे हैं, उनकी वैल्यू जो है उनको हम क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, दैट इज मनी, मनी के टर्म में हम उनको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, जब क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर या फिर कोई बेस जो है सेम हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजिली कंसिडर कर सकते हैं किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज बेस सेम है, हमको किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है बेस में, कि हमको उसको इवेल्युएट करके सेम चीजों में लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली मेजर कर सकेंगे. ठीक है, नाउ अंडर दिस फर्स्ट मेथड इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. ठीक है, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इज बेसिकली डेवलप्ड बाय रेजिस लिकर्ट. ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डेवलप किया है. सो अंडर दिस मेथड क्या करते हैं हम, जितना भी कॉस्ट है, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, फेमिलराइजेशन एक्सेट्रा आर कैपिटलाइज. ठीक है, वो सारी चीजों को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, मीन्स मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. एंड देन और जितनी भी कैपिटलाइज्ड कॉस्ट है उसको हम लोग एमोर्टाइज करते हैं एंड देन रिटर्न ऑफ कर देते हैं फ्रॉम द पीरियड एंड एम्प्लॉय विल सर्व द ऑर्गेनाइजेशन. एंड इन केस अगर एम्प्लॉय जो होता है लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन को बिफोर द एक्सपेक्टेड सर्विस पीरियड, सपोज उसको 10 साल वर्क करने का हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा था, बट उसने क्या किया, 5 ईयर्स में लीव कर दिया, तो जो भी उसका रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, उसको रिमेनिंग अमाउंट है इधर इन द टर्म्स ऑफ हिज सैलरी, हिज वैल्यू, ठीक है, जो स्किल सेट से जो मनी वैल्यू आ रही है, वो सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं कम्प्लीटली फ्रॉम द पर्टिकुलर ईयर ऑफ हिज और हर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि ह्यूमन एसेट को हम लोग एज अ कन्वेंशनल बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग शो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि मॉनेटरी मेथड में क्या होता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रहे हैं उनका जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली हम उनको क्या कर सकते हैं, फाइनली हमारा जो कन्वेंशनल बैलेंस बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हम उसमें पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा, कंपनी के कॉस्ट जो भी हमको एनालिसिस करना है. एंड एक ड्रॉबैक है कि ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग समटाइम्स प्रॉपरली इक्वेट नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज इक्वेटेड रिजल्टिंग इन अंडर वैल्यूएशन. समटाइम्स उनको अंडर वैल्यू कर लेते हैं, समटाइम्स उनको हायर वैल्यू कर लेते हैं. ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है. नाउ द सेकेंड मेथड इज दैट इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड. ठीक है, सो रिप्लेसमेंट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक चीज के बदले में दूसरे चीज को रिप्लेस कर रहे हो, जैसे आप टी के बदले में कॉफी को रिप्लेस कर रहे हो, है ना, और ऑलमोस्ट दोनों सेम पर्पज ही सर्व करते हैं, है ना, यस और नो. यस हाँ, तो हम क्या करते हैं इसमें, अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, दिस इज रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. जो हमारा एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉय था, ठीक है, E1 एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं थ्रू द एम्प्लॉय E2. ठीक है, सो E2 एम्प्लॉय जो है वो एक न्यू एम्प्लॉय है, ठीक
ठीक है। तो उस इम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, ई2 इम्प्लॉय को हम रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, एंड उस लेवल तक लेके आते हैं कि वो ई1 की पोजीशन में प्लेस हो सके और ई1 जो वर्क करता है फाइनली उसे कर सके, ठीक है। सो इस टोटल इस चीजों में, टोटल रिप्लेसमेंट में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वुड कॉस्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स विद द ह्यूमन रिसोर्स कैपेबल ऑफ रेंडरिंग द इक्विवेलेंट सर्विसेज, ठीक है। बेसिकली आपको E2 को वहां तक डेवलप, ट्रेन और करना है जब वो क्या कर सके, E1 की पोजीशन पे जाके E1 जो वर्क कर रहा था उसको कर सके, दैट इज नोन एज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, ठीक है, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो हियर द अंडरलाइन कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन कौन सा कॉस्ट होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड टिल द न्यू रिक्रूटी अटेन द इफिशियंसी लेवल इक्वल टू दैट ऑफ ओल्ड और रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज, ठीक है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया सेम वही चीजें लिखी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज थर्ड वन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड में क्या है कि आपका एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सर्टेन स्किल पोजेस करते हैं, ठीक है, जो रेयर होते हैं अवेलेबिलिटी में, ठीक है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईली स्किल्ड होते हैं, या फिर उनके पास कुछ ऐसा स्किल सेट होता है जो किसी अदर एम्प्लॉयज में नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने रिक्रूटमेंट में एक टॉपिक पढ़ा था कोचिंग, कोचिंग में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईली स्किल्ड होते हैं, या उनके पास कुछ ऐसे स्किल एंड नॉलेज सेट होते हैं जिनकी वजह से वो वैल्यू देते हैं कंपनीज को। तो हम क्या करते हैं ऐसे इम्प्लॉयज को कुछ अट्रैक्टिव पे पैकेजेस, ठीक है, अट्रैक्टिव सैलरीज, अदर इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो सेम मेथड यहाँ भी फॉलो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि इम्प्लॉयज जो होते हैं उनके पास सर्टेन स्किल सेट होते हैं जो रेयर होते हैं, तो मैनेजर्स क्या करते हैं कि उन जो स्केयर क्या कहना चाहिए इम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जिसके पास सर्टेन स्किल सेट है वो किसी अदर इम्प्लॉयज के पास नहीं है, उनको हम लोग क्या करते हैं कुछ ऑफर करते हैं, ठीक है, बिड प्राइसेस, मतलब बेसिकली कहना चाहिए हम उनको कुछ अच्छी सैलरी ऑफर कर सकते हैं, उनको कुछ इंसेंटिव्स ऑफर कर सकते हैं, हायर इंसेंटिव्स, उनको कुछ आप अदर बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हो, एंड उनको क्या करते हैं हम लोग फाइनली एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। वन हु फाइनली एक्वायर द स्केयर एम्प्लॉय पुट द बिड प्राइस एज हिज इन्वेस्टमेंट इनटू द सच एम्प्लॉयज, ओके, एंड दिस बिड प्राइस इज अराइव्ड एट कैलकुलेटिंग द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द सपोज्ड अर्निंग टू बी अर्न बाय सच एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है कि जो भी हमारे जो स्केयर एम्प्लॉयज है जिनके पास एक बेटर स्किल सेट है, हम क्या करते हैं उनको एक बिड प्राइस, ठीक है, या फिर एक अच्छी प्राइस या अच्छी सैलरी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी बिड प्राइस होती है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एज एन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, और उसको हम लोग फाइनली फॉर द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज एसेट मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। सो एसेट मल्टीप्लायर मेथड का वन ऑफ द एक एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है, दैट देयर इज अ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एन एम्प्लॉय एंड हिज वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या बोलता है कि एसेट मल्टीप्लायर में कि जो हमारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं उनमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है एंड उनकी जो वैल्यू फाइनली ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो रही है, दोनों के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये एसेट मल्टीप्लायर मेथड का एक एजम्पशन है। बट यहाँ पे क्या करते हैं इम्प्लॉयज का जो होते हैं वो की वैल्यू जो होती है वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। क्या क्या चीजें हैं, लाइक मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन पे डिपेंड करती है, वर्किंग वर्किंग कंडीशन पे, एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, वैल्यू क्या चीज है, ठीक है, वैल्यू किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन टॉप मैनेजमेंट, सेकेंड वन मिडिल मैनेजमेंट, थर्ड वन सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज ऑपरेटिव एंड क्लेरिकल स्टाफ, ठीक है। सो आफ्टर क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं कि सैलरी जो होती है ईच कैटेगरी के, यहाँ पे जो चार कैटेगरी मेंशन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिव एंड क्लेरिकल स्टाफ, जो ईच कैटेगरी है, ठीक है, उनकी सैलरी को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद एन अप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर, ठीक है। उनकी सैलरी का जो लेवल है, ठीक है, ईच कैटेगरी का, उसको हम लोग एक अप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड टोटल जो उसकी वैल्यू है वो हम लोग असर्टेन कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दिस हियर जो मल्टीप्लायर जो है, मल्टीप्लायर जो एज एन इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करें, दैट इज रिलेट्स टू द पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉयज विद द टोटल एसेट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जो भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है उसको हम लोग रिलेट करते हैं पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, बिकॉज एक पर्सन सपोज क्लरिकल में है तो उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सुपरवाइजरी में चला जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं,
इन द बेसिस ऑफ दैट हमको क्या पता चलता है कि इम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ कितना हो रहा है, कि कोई क्लरिकल से सुपरवाइजरी लेवल तक कब पहुंचा, कितने दिनों में पहुंचा, ठीक है, ये सारी चीजों से रिलेटेड हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो अस पर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट शुड मैच टू द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे ह्यूमन एसेट की जो वैल्यू है कि वो हमारी गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही, ये हमको फाइंड आउट हो जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक वैल्यू मेथड. तो इकोनॉमिक वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि ह्यूमन एसेट को हम लोग वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो वो ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं फ्रॉम द टाइम दे विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन टिल द टाइम दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सैलरी लेवल में, फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं अपनी वैल्यूज इंक्रीज करते हैं, स्किल सेट अक्वायर करते हैं, स्किल्स आते हैं उनके पास नई, फिर उसको वो अपने वर्क में ऐड करते जाते हैं, उनका जो वर्क है और इफिशियंट होता जाता है. तो ऑल जो जो भी कंट्रीब्यूशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम दे विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन टू द टाइम दे विल रिटायर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस विल पुट सम इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिक वैल्यू देता है, पुट करता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो जो भी हम लोग पेमेंट देते हैं सैलरीज के फॉर्म में, पे के फॉर्म में, ठीक है, अलाउंसेस या बेनिफिट्स के फॉर्म में, उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं एंड देन हम उसको डिस्काउंट करते हैं अप्रोप्रिएटली टू अराइव टू द प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल. क्या करते हैं, जो भी हम पेमेंट या सैलरी देते हैं, पे अलाउंसेस बेनिफिट्स, ठीक है, जो भी बेनिफिट्स वगैरह देते हैं हम लोग इम्प्लॉयज को, उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं और उसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है, प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू पे. ये जो प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट इकोनॉमिक प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है. तो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, दैट इज वी आर इज इक्वल टू टी समीशन ऑफ ई अंडर अंडर ब्रैकेट टी डिवाइडेड बाय आर माइनस आर फिर अंडर ब्रैकेट आई प्लस आर. ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स है, वी आर इज योर ह्यूमन कैपिटल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल आर ईयर्स ओल्ड. ठीक है, वी आर जो है आपका ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू है जिसमें इंडिविजुअल जो है कितने साल का है, आर ईयर्स ओल्ड. ठीक है, यहाँ पे आर जो है ईयर ऑफ ओल्ड बताता है. नेक्स्ट वन ईटी, ईटी इज एन इंडिविजुअल एनुअल अर्निंग अप टू द रिटायरमेंट. ठीक है, प्रेजेंटेड बाय अर्निंग प्रोफाइल. ठीक है, ईटी क्या बताता है, इंडिविजुअल का एनुअल अर्निंग कितना है कि वो रिटायरमेंट की एज तक एनुअली कितना अर्न कर लेगा. ठीक है, उसको अर्निंग प्रोफाइल बताता है. आर जो है दिस वन आर, ठीक है, दिस आर इज अ डिस्काउंटेड रेट और अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड हियर टी, ठीक है, टी कौन सा, ये वाला टी, दिस टी इज योर रिटायरमेंट एज. ठीक है, सो ये सारे वेरिएबल्स हैं अंडर दिस फॉर्मूला, दैट इज वी आर इज इक्वल टू टी समीशन ऑफ ई टी डिवाइडेड बाय आर माइनस आर अंडर ब्रैकेट आई प्लस आर. ओके, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है अंडर दिस मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड में क्या ड्रॉबैक है कि हम लोग दैट अंडर या ओवर फिक्सेशन ऑफ सैलरी जो कर सकते हैं, समटाइम क्या होता है हम सैलरी को अंडर फिक्सेशन करते गए हैं या फिर जितनी हमको देनी चाहिए वो उतना नहीं देते हैं, कभी ज्यादा दे देते हैं या फिर कभी कम, ऐसे कुछ फिक्स कर देते हैं. सो दिस विल अफेक्ट द टोटल अर्निंग ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज सैलरी इज नॉट समथिंग ना जो हमको फिक्स पता है कि हम एक एचआर हायर करेंगे या फिर एक एम्प्लॉय हायर करेंगे तो फिक्स ही चलेगा. वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कंडीशन वेरिएबल, बिकॉज अगर सपोज अभी रिसेशन आ गया तो रिसेशन में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी क्या हो रही है, डिक्रीज करती जा रही है. ठीक है, उनको उनको सैलरी प्रॉपर या फुल जो सैलरी होती है वो नहीं मिल रही है. समटाइम्स क्या होता है कि आपका बूम पीरियड चल रहा होता है, तो एक ऐसा इंप्लॉय है जिसके पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है बट स्टिल ही इज अर्निंग लाइक वेरी वेल. ठीक है, सो ये क्या होता है, समटाइम्स हम ओवर वैल्यू भी कर लेते हैं, समटाइम्स अंडर वैल्यू भी कर देते हैं इम्प्लॉयज की सैलरी को. वो एक टोटल ड्रॉबैक है कि हम उसके थ्रू हमारा कैलकुलेशन में समवॉट प्रॉब्लम हो जाता है. नाउ नेक्स्ट है आपका नॉन मॉनिटरी मेथड. सो नॉन मॉनिटरी मेथड्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे बिहेवियर होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के जो बिहेवियर होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होगा, दैट इज नोन एज अ नॉन मॉनिटरी मेथड. ठीक है, सो टेकिंग अ नोट ऑफ अ चेंज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम द बिहेवियर साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द नॉन मॉनिटरी मेथड. ठीक है, जो बिहेवियर साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया नॉन मॉनिटरी मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करते हैं बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू. ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू और ह्यूमन एसेट. ठीक है, सो अंडर दिस आपका जो फर्स्ट मेथड है दैट इज एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मेथड. तो एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मेथड मींस हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं बिहेवियर्स को. ठीक है, मेजर थ्रू द बिहेवियर मेजर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्टिविटी होती है इम्प्लॉयज की, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्टिव इंडाइसेस और मैनेजेरियल असेसमेंट.
लाइक आपको ऑब्जेक्टिव इंडाइसेस में आप ले सकते हो, लाइक कि आपने अपने इम्प्लॉयज को कुछ ऑब्जेक्टिव दिया कि आपको सपोज 10 टास्क एक दिन में फिनिश करने थे, तो उतने क्या एक इम्प्लॉयज ने फिनिश किए या नहीं किए, ठीक है। मैनेजेरियल असेसमेंट के फाइनली मैनेजर जो है इम्प्लॉय के जो वर्क है, ठीक है, उनका जो जॉब है उनको असेस करेंगे कि उन्होंने प्रॉपरली जॉब परफॉर्म किया कि नहीं। साइकोमेट्रिक टेस्ट, ठीक है, मेंटल लेवल के कुछ टेस्ट टेस्ट हैं। सब्जेक्टिव इवेल्युएशन, ठीक है, हम सब्जेक्टिव कुछ इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस विल बी यूज टू मेजर द प्रमोटेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। प्रमोटेबिलिटी मीन्स उनको कितना प्रमोशन देना है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी की क्या हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट टू द अनदर और फ्रॉम द वन जॉब टू द अनदर, ठीक है। सो ये सारे हैं आपके एग्जाम्पल, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं थ्रू लाइक बिहेवियर मेजर्स के, ठीक है, कि हम बिहेवियर के थ्रू प्रोडक्टिविटी या फिर किसी भी चीज की वैल्यू, ठीक है, या फिर वी कैन से बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू, ठीक है, या फिर ह्यूमन एसेट को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम एटीट्यूड सर्वे भी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज यूज टू मेजर द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल एंड उनका मोटिवेशन लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। अंडर दिस देखो ये है फर्स्ट एंड एंड दिस वन इज द सेकेंड, दैट इज डिस्काउंटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग। ओके, तो दिस मेथड इज प्रोफाउंडेड बाय रेजिस लिकर्ट, ठीक है, इसको भी रेजिस लिकर्ट ने फाइंड आउट किया था और डेवलप किया था। एंड ये जो मेथड जो होता है वो 3 वेरिएबल पे बेस्ड होता है। फर्स्ट वन इज द कैजुअल वेरिएबल, सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट वेरिएबल एंड थर्ड वन इज द आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लिकर्ट क्या बोलते हैं कि जो इफेक्टिवनेस जो होती है ह्यूमन रिसोर्स का या ह्यूमन कैपिटल का हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग द दिस 3 वेरिएबल्स, ठीक है। रेजिस लिकर्ट ने बोला कि जो इफेक्टिवनेस है आपका ह्यूमन रिसोर्स का या ह्यूमन कैपिटल का, उसको हम लोग 3 वेरिएबल के थ्रू मेजर करेंगे। फर्स्ट वन इज द कैजुअल वेरिएबल, सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट वेरिएबल एंड फोर्थ थर्ड वन इज योर आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैजुअल वेरिएबल्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। लाइक कैजुअल वेरिएबल्स होते हैं आपके लीडरशिप स्टाइल, बिहेवियर, ठीक है, जो अफेक्ट करता है आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को, ठीक है। सो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, जैसे मॉरल है, मोटिवेशन है, कमिटमेंट टू द वर्क एक्सेट्रा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द आउटपुट वेरिएबल सच एज योर प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रॉफिट। सो अल्टीमेटली यू कैन सी हियर दैट कि जो आपके तीनों वेरिएबल हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कैसे अटैच हैं या फिर एक दूसरे से कैसे लाइक इंटर रिलेटेड और को रिलेटेड है, ठीक है, बिकॉज दिस आर द बिहेवियर थिंग्स, ठीक है। सो दिस आर द 3 थिंग्स, 3 वेरिएबल्स विच आर डेवलप्ड बाय रेजिस लिकर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ एचआर, कि हम लोग जो कॉस्ट जो होता है एचआर को इंक्लूड करने, डेवलप करने में, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेकेंड वन इज योर रेशियो एनालिसिस, थर्ड वन इज योर पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज अ पर्सनल रिपोर्ट एंड बजट। तो फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड होता है हमको एचआर को रिक्रूट करने के लिए, या फिर क्या क्या, नॉट बेसिकली जस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट, ये ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है एचआर का, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट विल कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्हाई इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स अल्टीमेटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका डे टू डे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रहा है। सो दैट इज वाई ये बताता है कि टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। तो क्या क्या टाइप के कॉस्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज द रिक्रूटमेंट कॉस्ट। रिक्रूटमेंट कॉस्ट में क्या क्या होता है आपका एडवर्टाइजिंग, ठीक है, आप लोग जो एडवर्टाइज करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैकेंसी निकली है। ट्रेवल एक्सपेंसेस, समटाइम्स क्या होता है कंपनीज जो होती है आपका इंटरव्यू वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, तो उससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेवल से रिलेटेड चीजें देती हैं, या फिर जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं उनको ट्रेवल एक्सपेंसेस, ठीक है, या ट्रेवल अलाउंसेस देने होते हैं, कंसल्टेंट फी होता है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स। सेकेंड वन इज सेलेक्शन कॉस्ट। तो सिलेक्शन कॉस्ट इंक्लूड करता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, रिटन टेस्ट है, या आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, ये सारी जो टेस्ट है, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने के एक्सपेंसेस हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट वाज ओरिएंटेशन कॉस्ट। ओरिएंटेशन कॉस्ट जो होता है इंक्लूड करता है लाइक कि आप जब आपके इंप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो आप उनको एक इंडक्शन प्रोग्राम देते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जैसे आप इंप्लॉयज को जब उनका ओरिएंटेशन होता है तो पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन के सब बारे में जब इन्फॉर्म करते हैं, तो जब क्या करते हैं एम्प्लॉयज आते हैं तो उनके रहने का, खाने का खर्च, ठीक है, और
उनको इंडक्शन प्रोग्राम देने का खर्च एंड अदर जो भी इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है दैट आर योर ओरिएंटेशन कॉस्ट. नेक्स्ट वन इज योर ट्रेनिंग कॉस्ट. सो ट्रेनिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग, लाइक ट्रेनर्स को सैलरी देना है, आपको ट्रेनिंग के लिए जो भी फैसिलिटीज की जरूरत है उससे रिलेटेड कॉस्ट, ट्रेनिंग्स के टाइम, ठीक है, उनका टाइम से टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट, कि कब ट्रेनर्स को बुलाना है, कब ट्रेनिंग्स को बुलाना है, कौन कौन से ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है. एंड फाइनली उसको फाइनेंशियली मेजर करना, ठीक है, एंड इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमारे ट्रेनिंग में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था क्या हमको वो आउटपुट मिल रहा है या नहीं. नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट कॉस्ट. और डेवलपमेंट कॉस्ट में कॉस्ट ऑकर्ड व्हेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, ठीक है, जैसे आप एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट के लिए कुछ उनका उनको एक स्पेशल स्टडी के लिए भेज सकते हैं, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भेज सकते हैं, एंड उन्होंने जो स्किल एक्वायर किया, जो एक्सपर्टीज एक्वायर की, क्या उनको वो अपने वर्क प्रोफाइल में इंक्लूड कर रहे हैं नहीं, ठीक है. ये मेजर करने के लिए आपका जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है दैट इज नोन एज डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है. तो दिस ऑल कॉस्ट आर नीड टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है. ये सारे कॉस्ट हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है. तो इसके लिए मेथड है, फर्स्ट वन इज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. तो एज यू ऑल नो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज डेवलप्ड बाय द पीटर एफ डकर, ठीक है, जो क्या करता है मेजर करता है आपका लाइक कि विच आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बीन वीक इन द रेस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू इट्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है. सॉरी, जनरली क्या होता है, हम मैनेजमेंट में क्या चीज देखते हैं कि हमारा क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कि क्वांटिटी नंबर में हम जिस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम इजिली मेजर कर सकते हैं. बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन रिसोर्स की के क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमको उतनी बेस्ट चीजें नहीं पता चलेंगी एज कंपेरिजन अगर हम उसको क्वालिटेटिव टर्म्स में डिफाइन करें, ठीक है. यही बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो वीक होता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू इट्स क्वालिटेटिव वेरिएबल, दैट इज फीलिंग होते हैं, एम्प्लॉयज में एटीट्यूड होते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन होते हैं, इसको हम लोग नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इन नंबर. सो ये क्या होता है, जनरली क्वालिटेटिव होते हैं, दैट इज वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ एचआर की जो वैल्यू होती है उसमें वीक हो जाता है. तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हम एमबीओ मैथड को यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल. व्हाई? बिकॉज एमबीओ में क्या करते हैं हम मैनेजमेंट लेवल के जो पर्सन होते हैं लाइक मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट और समटाइम्स जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के होते हैं उनमें से एक आध दो रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्प्लॉयज के एक आध दो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आते हैं, एक साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं. तो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो एनालिसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच फॉर योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए ना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ फॉर्मूलाज हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है. दिस आर द टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, दो चीजें रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है. सो इनके जो फॉर्मूलाज हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इन रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम. सो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट पर हायर, ठीक है. कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कॉस्ट पर हायर, ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ वर्ड्स. तो ये क्या होता है, दैट इज द रेशियो बिटवीन द मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कॉस्ट जो भी हमारा कॉस्ट इंक्लूड होता है रिक्रूटमेंट में, ठीक है. सो व्हाट आर द कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट इनकर्ड इन हायरिंग प्रोसेस, कॉस्ट इन एडवर्टीजमेंट, फी पेड इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज एंड कॉस्ट इनकर्ड इन कंडक्टिंग द टेस्ट. क्या क्या चीजें, फर्स्ट वन हायरिंग प्रोसेस के लिए जो कॉस्ट है, आपका एडवर्टीजमेंट देना है आपको न्यूज़पेपर या मीडिया में, उससे रिलेटेड कॉस्ट, जो फी पेड होती है आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी में उससे रिलेटेड कॉस्ट, एंड आपका जो टेस्ट कंडक्ट होता है ऑनलाइन ऑफलाइन एनीथिंग उससे रिलेटेड कॉस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, सच एज स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राफ, ठीक है. ये सबसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट और कॉस्ट पर हायर का फॉर्मूला होता है इन रुपीज, ठीक है. रुपीज में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला दैट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्रूटर्स हायर्ड और ट्रेन, ठीक है. ये आपका डिविजन नहीं है, ठीक है. सो दिस इज ओनली द डिविजन, क्या है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, ठीक है, रिक्रूटर्स हायर्ड. कि आपको आपका जो है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्रूटर्स हायर्ड और रिटेन,
कि कितने रिक्रूटर्स ने कितने लोगों को हायर किया, ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। सेकेंड वन इज दैट इज रिक्रूटमेंट साइकिल। तो रिक्रूटमेंट साइकिल इज एक्चुअली द टाइम विच इज टेकन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि टोटल जो टाइम लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट टू द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, एडवर्टीजमेंट टू फाइनल प्लेसमेंट, तो इसमें जो टोटल टाइम लगता है दैट इज नोन एज द रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम इज टू नो द आइडियल टाइम नीडेड टू इनिशिएट एंड कंप्लीट द रिक्रूटमेंट हायरिंग प्रोसेस, कि कब हमको एक्चुअली रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है एंड कब उसको एंड करना है, ठीक है। तो दिस विल सजेस्ट द नीड टू सजेस्ट द नीड फॉर द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द साइकिल टाइम। ये बताता है कि हमको हमारा साइकिल टाइम कितने दिनों का, कितने आर का, ठीक है, या फिर कितने वीक्स का चल रहा है, एंड हमको उनको कहाँ कहाँ मिनिमाइज करने की जरूरत है सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम, ठीक है। सो मेजर्स लाइक क्लियर जॉब स्पेसिफिकेशन, कंप्यूटराइजेशन एप्लीकेशन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ एप्लीकेशन ब्लैंक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स एक्सेट्रा विल रिड्यूस द साइकिल टाइम। क्या क्या होता है, क्लियर जॉब स्पेसिफिकेशन, जब जॉब का स्पेसिफिकेशन जो होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है तो किसी भी टाइप की एम्बिग्यूटी नहीं होती है, ठीक है, जिनको भी अप्लाई करना है जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ एप्लीकेशन, के पहले क्या होता था आपका मैनुअल हम फॉर्म फिल करते थे सो दैट इज अ टाइम टेकिंग, बट अभी कंप्यूटराइजेशन में फॉर्म फिल हो जाता है लाइक वो बहुत इजी होता है, ठीक है, उसके लिए डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स, की स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दे, लाइक हमारा कौन सा टेस्ट चलना है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनाइज कराने हैं, कब उनका इंटरव्यू सेशन होना है, कब मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, कब उनका फाइनल प्लेसमेंट होना है, सो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस, सो ये जो सारी चीजें हैं आपको क्या करती है, रिड्यूस करती है साइकिल टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ टर्नओवर, थर्ड वन। तो कॉस्ट ऑफ टर्नओवर बेसिकली मींस जब एम्प्लॉयज जो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देते हैं सो दैट इज नोन एज अ टर्नओवर। तो एम्प्लॉय टर्न ओवर इज एन एक्सपेंसिव एज इट इन्वॉल्व बोथ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वट आर द डायरेक्ट कॉस्ट, सो डायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली मीन्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मीन्स जब आप क्या करते हैं एक एम्प्लॉय को रिप्लेस करते हैं विद द अनदर एम्प्लॉयज, सो दैट इज नोन एज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दिस विल इंक्लूड ऑल द कॉस्ट रिक्रूटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज लाइक फ्रॉम ट्रेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ट्रेनिंग, ऑल जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं दैट इज नोन एज द डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं वो होते हैं आपके मोटिवेशन या मॉरल, ठीक है। तो टर्नओवर रेट इन परसेंट, ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू है, कुछ रुपीज में निकलते हैं कुछ परसेंट में, तो टर्नओवर जो रेट है ये परसेंट में निकलता है। तो टर्नओवर रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100, ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100, ठीक है, परसेंट का फॉर्मूला है तो यहाँ पे 100 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्नओवर रेट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, सो ट्रेनिंग जो होता है बेसिकली एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होता है, सो विच विल एनहेंस द स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। सो दो द मेजरिंग ऑफ एन इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज टोटली डिफिकल्ट बिकॉज ये क्या है, एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है, सो आप एक ऑन गोइंग एक्टिविटी को कैसे मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, लेट इज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग, ठीक है, एक ट्रेनिंग को ट्रेन करने का कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसका फॉर्मूला है ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेन। सेकेंड वन दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसका फॉर्मूला है दैट इज ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग रेशियो, कितने लोगों को ट्रेन किया गया उसका रेशियो, सो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला से। तीन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेन, बिकॉज यहाँ ट्रेनिंग है तो कितने लोगों को ट्रेन किया गया, यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय मींस ट्रेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग रेशियो मींस नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कितनी ऑर्गेनाइज हुई एंड कितने एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइज हुई, ओके। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिविटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स और इन रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज आउटपुट, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉय सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं टू द इनपुट लाइक फिजिकल फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, मैन मशीन मटेरियल मनी, ठीक है, जो भी इनपुट्स हैं उनके बेसिस पे हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, बेसिकली मीन्स आउटपुट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
So this is also one of the way to control the cost of human resource because increase in productivity of employees in the working in the organization जब क्या होता है productivity improve होगा so ultimately हमारा input cost decrease होगा and output जो है cost output जो है हमारा वो increase होगा ठीक है so organization can raise the productivity of an employees through the बहुत सारे techniques है जैसे O&M studies है work simplification है quality circle है productivity linked reward and proper utilization of manpower at various levels ठीक है इनमें से कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी जैसे वर्क सिंप्लीफिकेशन हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ा था क्वालिटी सर्कल वी ऑल स्टडीड जो लास्ट क्लास मैंने लिया था SHRM में उसमें मैंने क्वालिटी सर्कल पढ़ाया था ठीक है एंड दिस आर द थिंग्स नाउ द लास्ट वन दैट इज पर्सनल रिपोर्ट एंड बजट तो पर्सनल रिपोर्ट विल ऑल्सो प्रोवाइड द यूजफुल इन्फॉर्मेशन ठीक है जो मैन पावर के यूटिलाइजेशन उनके एक्विजिशन के लिए जरूरी है मीन्स द फॉर द प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट सो पर्सनल बजट इज अ पर्सनल प्रोग्राम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू फॉर की एरिया सच एज एम्प्लॉय कंपनसेशन फैसिलिटीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो पर्सनल बजट में क्या करते हैं हमारी जो भी पर्सनल से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको हम लोग मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू लाइक आपका कितना कम्पनसेशन दे रहे हैं आप अपने इम्प्लॉयज को क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं इम्प्लॉयज को फॉर द ट्रेनिंग के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है ये सारी चीजें हम पर्सनल बजट में मेंशन करते हैं ठीक है एंड दिस एक्चुअली बजट इज यूटिलाइज फॉर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ठीक है सो कंपैरिजन ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट विद द बजटेड कॉस्ट विल हेल्प द मैनेजर टू टेक द करेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल द पर्सनल कॉस्ट जो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनली कॉस्ट जो इन्वॉल्व हो रहा है ठीक है एंड जो हमारा बजटेड कॉस्ट है कि हमने बजट में कितना कॉस्ट बनाया था सो अगर इनमें किसी भी टाइप की डिस्पैरिटी होती है सो उसको हम लोग करेक्टिव मेजर से कंट्रोल कर सकते हैं हमारा जो पर्सनल से रिलेटेड कॉस्ट आ रहा है उसको ठीक है सो दिस आर द वेज सो विच we can measure the human resource accounting okay